जय माँ काली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको दस महाविद्या अर्थात माँ के दस जो शक्ति है, जो संसार के समस्त सुखों को, भोग को और मोक्ष को दोनों देने वाली है, उस महाविद्या के महागुप्त मंत्र बताऊंगा। उस मंत्र की शक्ति से, याद रखिएगा, इस मंत्र का गुणगान इतना है, इतना ज्यादा है कि अगर इस मंत्र को व्यक्ति संपूर्ण श्रद्धा समर्पण के साथ और विश्वास के साथ करे और इसे सिद्ध कर ले तो वह तीनों लोक को सम्मोहित करने की शक्ति रखता है। अर्थात वह जहां भी जाएगा तो कोई भी व्यक्ति उसके कार्य को या फिर उसकी बातों को मना नहीं करेगा, चाहे वह कहीं भी हो और किसी कार्य के लिए हो। सम्मोहन का अर्थ यही है कि आप अपना प्रभाव हर जगह जमा लें, चाहे कोई भी व्यक्ति हो आपकी बातों को मानेगा ही मानेगा। वह अद्भुत शक्ति और अद्भुत सामर्थ्य उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है और वह सामर्थ्य या शक्ति सिर्फ उस माँ काली की शक्ति के कारण आता है, क्योंकि माँ काली का जो आदि स्वरूप है, माँ शक्ति, काली माँ, अर्थात जब कुछ नहीं था तो सिर्फ शक्ति थी, शून्य था, वही शून्य की शक्ति, वही आदि की शक्ति जो है यह मंत्र में है और यही मंत्र आपके लिए पूरी तरह से कार्य करता है। इस मंत्र में अगर आप किसी भी व्यक्ति को, याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति से, अर्थात ऐसे व्यक्ति को जिससे आप बेपनाह प्यार करते हैं, जिसके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं या फिर जिससे शादी ही करना चाहते हैं या फिर पति हो पत्नी हो, तो उसके ऊपर कर सकते हैं, बस एक ही व्यक्ति के ऊपर, अन्यथा यह मंत्र आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उसके ऊपर कर सकते हैं सिर्फ एक व्यक्ति। और इस मंत्र के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कहा नहीं जा सकता क्योंकि यह मंत्र बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, जो कि हर रूप में आपको मनोवांछित फल देगा ही देगा। बीज मंत्र है और बीज मंत्र की शक्ति है, तो इस मंत्र को आपको प्रतिदिन जाप करना है। सायं को जाप करने की कुछ विधियां हैं, उसे ध्यान में रखिएगा। सायं को जब जाप करें, सूर्यास्त होने के बाद हाथ पैर धोकर स्वच्छ होकर ही करें जब जाप करें। जिस भी व्यक्ति के लिए, उसका एक फोटो अपने पास रखें और सबसे पहले जाप करने से पहले मानसिक रूप से, अर्थात अपने मन की शक्ति से माँ काली को प्रणाम कर ले, मानसिक रूप से उसकी पूजा कर ले, चरण स्पर्श कर ले और उसके बाद उनसे आशीर्वाद लेकर इस मंत्र का जाप प्रारंभ करें। जाप करें तो याद रखिएगा, एकाग्रचित होकर पूर्ण रूप से उस व्यक्ति को पर ध्यान करके इस मंत्र का जाप करें और मन में यह सोचे कि वह व्यक्ति आपको मिल गया है। किसी भी तरह से आपको, मित्रों, इस मंत्र के ऊपर से आपको पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हैं, मन से कहीं और है और शरीर से आप जाप कर रहे हैं। अर्थात एकाग्रता का पूर्ण ध्यान रखें, मंत्र एक ही माला करें, अर्थात 108 बार रुद्राक्ष की माला लेकर, लेकिन इसे निरंतर में आपको कम से कम 21 दिनों तक जाप करना होगा। 21 दिनों के बाद आपके अंदर की जो शक्तियाँ हैं और मंत्र की शक्तियाँ ऐसा प्रभाव दिखाएगा कि वह व्यक्ति चाहे कहीं पर भी हो, सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा। मंत्र इस प्रकार है, उसे ध्यान से सुनिए। ओम ह्रीम ह्रूम क्रीम फट, ओम ह्रीम ह्रूम क्रीम फट। अगर समझ में नहीं आए तो नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जय माँ काली।